हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा दूसरे टॉपिक आपका दूसरे टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है हाउ टू एडजस्ट फ्यूल पंप टाइम। चलिए ठीक है, इस टॉपिक को समझते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे फ्यूल पंप टाइमिंग एडजस्ट करना है। ओके, तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत से तरह के फ्यूल पंप जो है अवेलेबल हैं मार्केट में। मैकेनिकल ड्रिवन में क्या होगा, एक केम होगा, वो केम ड्राइव करेगा किसको, फ्यूल पंप को ड्राइव करेगा। बट अगर हम CRDA की बात करें, CRDA इंजन कॉमन रेल डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन में, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल जो होते हैं इंजेक्टर्स होते हैं। वो इंजेक्टर क्या करते हैं, वो इंजेक्शन जो होता है, जो अपना फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील पे माउंटिंग होता है क्रैंक एंगल सेंसर होता है, वो सेंस करके टाइमिंग बताता है इंजेक्टर को और उसी समय पे वो जो इंजेक्टर है ब्लास्टिंग करता है। तो इनमें अगर हमें टाइमिंग चेंज करना हो तो आप जानते हैं इसके लिए हमें ECM बोलते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट जो होता है उसमें अपने को सेटअप करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, चलिए फ्यूल पंप इंजेक्शन टाइमिंग में इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा। देखिए एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पंप के बारे में देखिए, पहले आपको अगर फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग अगर आपकी गलत है इंजन में, तो इसे हमें जानना पड़ेगा कि पहले वो जो फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग है वो एडवांस है या पीछे की ओर है। मतलब एडवांस है कि अर्ली इंजेक्शन हो रहा है, तो अर्ली इंजेक्शन में क्या होता है, इंजन जो हीटेड हो जाता है। एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ, तो जो इंजन है वो हीटेड हो जाता है क्योंकि इंजेक्शन जो है वो बहुत पहले हो जा रहा है। और आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है कि कंप्रेशन सेटअप होने के बाद जो है आपका इंजेक्टर फ्यूल जो है फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है इनसाइड द सिलेंडर। तो इससे होता क्या है कि ब्लैक स्मोक जनरेट होगा, क्योंकि देखिए जो एक कंबशन जो प्रोडक्ट है, जो मिक्सचर है, ठीक है, उसको बर्न होने के लिए एक टाइम की रिक्वायरमेंट है। वो माना मिलीसेकंड माइक्रोसेकंड में है, बट उसको टाइम की रिक्वायरमेंट है। एक बार कंप्रेशन सेटअप हो गया उसके बाद अगर आपका फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है सिस्टम में, तो उसका क्या मतलब, सोचिए वो बर्निंग होगा नहीं। और जब तक सिस्टम यहाँ पे देखिए ये पिस्टन है, देखिए अगर फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है, मतलब ये आपका पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन करने के बाद वापस नीचे की ओर आ रहा है। अब इस सिचुएशन में अगर फ्यूल इंजेक्ट होता है तो सोचिए यहाँ पे तो कंप्रेशन ऑलरेडी कम हो गया है, ठीक है, तो जो बर्निंग होगा, जो टेम्परेचर रीड होगा सिलेंडर के अंदर, वो उतना होगा नहीं। प्लस जो बर्निंग के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट है वो भी उतनी उसको मिली नहीं। तो इससे क्या होगा, जो होगा सिस्टम में एग्जॉस्ट जो होगा, एग्जॉस्ट टेम्परेचर हाई होगा। क्यों होगा, एग्जॉस्ट टेम्परेचर हाई होगा और उसका जो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर होगा वो अनबर्न, मतलब उसमें कार्बन पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कार्बन पार्टिकल बहुत ज़्यादा होगा। तो इन दोनों सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें फ्यूल पंप की टाइमिंग है वो हमें मैनेज करनी है। अभी फ्यूल पंप की टाइमिंग हम मैनेज कैसे करेंगे, देखिए बताता हूँ। ठीक है, ये जो है आपका एक फ्यूल पंप है, ठीक है, और ये फ्यूल पंप को ड्राइव कर रहे हैं कैसे, ये कैम होगी पूरी लाइन में लगी होगी, लाइन से पूरी कैम लगी होगी। ये एक छोटा सा हिस्सा दिखा रखा है, देखिए ये जो है कैम है आपका, और ये इसको ड्राइव कौन कर रहा होगा, ये फ्लाईव्हील से जो है कनेक्टेड होगा कैम का गियर, और कैम का गियर जो होगा ये फ्लाईव्हील मूव कर रहा होगा, तो ये ड्राइव करेगा कैम को, और यही कैम जो होगा फॉलोवर को पुश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में जब कैम की प्रोफाइल पीक पोजीशन पे होगी। तो इससे होगा क्या कि ये जो है प्लंजर, ठीक है प्लंजर बोलिए, पर अभी यहाँ पर मैं थर्स्ट पिन समझता हूँ इसको, ठीक है। तो जैसे ही कैम अपनी पीक पोजीशन पे आएगा तो ये फॉलोवर को ऊपर की ओर पुश करेगा, जिससे क्या होगा, एक तरह का पिस्टन अरेंजमेंट है, समझ लीजिए यहाँ पे फ्यूल आया और पिस्टन ने पुश किया, तो ये क्या करेगा ऊपर की ओर इसको प्रेशराइज करके भेजेगा, किसमें भेजेगा, इंजेक्टर में भेजेगा, ठीक है। यही जो है मेन गोल प्ले करता है फ्यूल को इंजेक्शन के टाइमिंग में। तो चलिए, अगर आपकी फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग ख़राब है तो उनको कैसे सही करेंगे, ये हमारा टॉपिक है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग सेट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका फॉलोवर है
वो जो होना चाहिए वो ये जो फॉलोवर है ये पॉइंट जो है और ये जो आपका कैम है ये जो है पीक पोजीशन, ये इसकी पीक पोजीशन है, ये पीक पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, फॉलोवर रेस्ट करना चाहिए बेस सर्कल पे, ठीक है, पीक सर्कल पे रेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आपका बेस सर्कल है इस पे होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में जो है फ्यूल पंप लोअर होगा, पुशिंग कंडीशन में नहीं होगा, अपवर्ड पोजिशन में नहीं होगा, ठीक है, तो ये बात समझ ली हमने। चलिए ठीक है, ये बात ध्यान रखना है हमें सेट करने से पहले, फ्यूल पंप की टाइमिंग सेट करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फॉलोवर है वो बेस सर्कल पे होगा, बेस सर्कल समझ रहे हैं, कैम में आपका बेस सर्कल क्या होता है, ये होती है इसकी पीक पोजीशन और ये होता है इसका बेस, देखिए यहाँ पे इसका बेस दिख रहा है, ठीक है, ये हमने ध्यान रख लिया इस बात का, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें करना होगा कि हमें एक डेप्थ गज से ये जो थ्रस्ट पिन है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट पिन, ये थ्रस्ट पिन की जो टॉप का पार्ट है और ये जो अपने यहाँ पे डेप्थ गज से इसकी डिस्टेंस मेज़र करनी है। अगर ये डिस्टेंस जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो मैनुअल की रिक्वायरमेंट है उससे अगर कम ज़्यादा है तो हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। अगर ये सही है तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है फ्यूल पंप की टाइमिंग चेंज करने की, पर अगर ये कम और ज़्यादा है तो आपको उसको मैनुअल से चेक करके इसे एडजस्ट करना होगा, और एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक्सटेंट बोलते हैं एक्सट्रैक्शन टूल चाहिए होगा। एक्सट्रैक्शन टूल से क्या होगा कि इसको आप जब घुमाएंगे तो इससे जो है थ्रस्ट पिन आपकी बाहर आ जाएगी, और थ्रस्ट पिन के नीचे होता है सिम, देखिए ये होता है सिम, ये आपका सिम है, ठीक है। ये इसलिए सिम एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली जो होते हैं आप समझ लीजिए एक मेटल के जो पीस होते हैं, ये इंसर्ट किया जाता है थ्रस्ट पीस को अप और डाउन करने के लिए, ठीक है। अगर थ्रस्ट पिन की ऊंचाई को हमको लंबा करना है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा डेप्थ जो है इस पोजीशन से जो डेप्थ है, ये डेप्थ जो है ये हमने देखा कम ज़्यादा हमको करना है, तो हम क्या सीम जो होता है एक मेटलिक टुकड़ा होता है, एक मेटल का टुकड़ा होता है, ये फिट किया जाता है जिससे कि जो थ्रस्ट पीस की पोजीशन है, थ्रस्ट पीस ये देखा, ये आप देख सकते हैं जो थ्रस्ट पीस की पोजीशन है अप एंड डाउन होगी, ठीक है। और अब हाँ ये बात जरूर ध्यान रखें कि थ्रस्ट पिन डालने के बाद हमें जो है इसकी पोजीशन जो है थ्रस्ट पिन, हमने एक बार इसको इंसर्ट कर लिया और ऊपर से हमें थ्रस्ट पिन जो है थ्रस्ट पीस जो है वो टाइट कर देना है, किससे, एक्सट्रैक्शन टूल से जो है हमें थ्रस्ट पीस को टाइट कर देना है। हमें पहले सिम से एग्जैक्ट इसमें डाल देंगे, देखिए यहाँ पे ये फिट हो जाएगा, इसमें डाल देने के बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर से थ्रस्ट पिन एक्सट्रैक्शन टूल से उसको लॉक कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते क्या है। ये करने के बाद हमें फिर से जो है ये जो डेप्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ जो है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ है वो मेज़र करनी है, और इसको कितना रखना है मैनुअल के हिसाब से, मैनुअल के हिसाब से रखना है आपने, हो जाएगा बस आपका फ्यूल पंप का टाइमिंग जो है वो सेट हो जाएगा। ये जर्क टाइप फ्यूल इंजेक्शन नहीं है, ठीक है। थैंक यू, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए।